summer. Today I'm back with another recipe for you guys. Today we're going to be making gosht ki kadai. अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाने लगे हैं मटन कढ़ाई। इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया है और इसी के साथ मैंने 2 प्याज लिए हैं और इसको मैंने काट के इसमें डाल दिया है हमने। और हम इसमें 4 टमाटर डालेंगे, वन टेबल स्पून भर के हम डालेंगे गार्लिक जिंजर पेस्ट, वन टी स्पून हम डालेंगे रेड चिली पाउडर और 1 टी स्पून हम डालेंगे सॉल्ट। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास पानी और इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम अच्छी तरह से ही मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी मैं। इतना पानी आपने डालना है कि आपका जो मटन है वो उसमें भीग जाए। देखिए इस तरह से। अब मैं इसको कुकर को बंद कर दूंगी। अगर आप कुकर के बगैर भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन मैं इसको कुकर को बंद करूंगी और जब इसकी विसल होएगी तो उसके बाद मैं इसको 15 मिनट्स रखूंगी। यहाँ पे अब ये 15 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पे अब हमने जो यहाँ पे खोल लिया था इसको, अब हम इसको कढ़ाई में डाल देंगे। और इसका पानी हम थोड़ा सा ड्राई करेंगे। अभी ये यहाँ पे इसका पानी ड्राई हो रहा है और यहाँ पे मैं अब थोड़ी सी इसमें क्रश रेड चिलीज डालूँगी और इसमें मैं डालूंगी ग्रीन चिलीज, थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं डालूंगी, स्पाइसी हो जाएगा बच्चों के लिए, थोड़ी सी डालूंगी। और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा ऑयल ऐड करूंगी। हमने पहले ना ऑयल डाला है ना घी, तो अब थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें ऐड करूंगी। ये अब मैं इसमें ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा। अब इस स्टेज पे मैं इसका स्टोव थोड़ा स्लो कर दूंगी। धनिया पाउडर डालूंगी। वन टीस्पून। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालूंगी। तकरीबन 1/2 टी स्पून। और इसमें मैं थोड़ा सा दही ऐड करूँगी। इस स्टेज पे मैं अभी देखें यहाँ पे ऑयल भी हमारा अच्छा खासा बाहर आ गया। अब मैं इसमें दही ऐड करूँगी। तकरीबन 5 टीस्पून मैंने यहाँ पे दही लिया है और इसको अच्छी तरह से हम इसके पानी को इसके साथ ड्राई कर लेंगे। So guys, our kadai is almost done. हमारी कढ़ाई रेडी हो गई है। काली मिर्च का पाउडर डालूंगी, सॉरी ब्लैक पेपर डालूंगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ यहाँ पे हम इसको गार्निश करेंगे धनिया, फ्रेश कोरिएंडर और ग्रीन चिली से। ये हमारी कढ़ाई इधर रेडी हो गई है, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। If you enjoyed this recipe, give this video a thumbs up, like, share and subscribe and I'll see you in the next video with a new recipe. Bye guys!